2020 में वो जो उनका टेक्स्ट आता है रात को एक बजे की ड्रीम hmm. तो like hmm. uh, आप बताओ कैसे करें hmm. तो मैंने कम से कम उनको 20 गाने भेजे hmm. uh, मैंने ये वाला गाना भेजा इसका नाम पहले क्या लेगी था तो मैंने ये वाला गाना भेजा और ये वाला गाना अप्रूव हो मुझे ऐसा लिखना था जिसमें रेपिटेशन ना हो रेपिटेटिव लिरिक्स ना हो तो अब मैं लिखता गया लिखता लग और बहुत लंबा गाना बन गया लिखता, लिखता गया लिखता गया लिखता गया उसमें से कुछ चीजें बेस्ट मैंने चूज की बारह में नेहा कक्कड़ को एक गाना बना के भेजा था और उसमें मैंने वैसे ही म्यूजिक एम कर दिया था और उसने कहा कि यार गाना ठीक ठीक है बट म्यूजिक एमजी बड़ा अच्छा सही लग रहा है हुँ. तो मैंने वहाँ से मैंने कहा यार म्यूजिक एम जी होना चाहिए कैसा मेरा मन करेगा मैं गाना बनाऊंगा एंड मैं लक्की हूँ कि मेरे इन एक्सपेरिमेंट्स को इतना वो सपोर्ट करते हैं आर्टिस्ट के गाने ऐसे होते हैं कि बैठे बैठे आपको विदेश घुमा देते हैं ऐसा ही तो गाना रिलीज हो चुका है 'पेरिस की ट्रिप जिसे गाया है मिलन गाबा और यूयू हनी सिंह ने और इनकी जुगलबंदी उस गाने में बेहतरीन देखने को मिल रही है आप बताइए

Hmm. तो मैं इट्स लाइक अ ड्रीम आप बताओ कैसे करें तो कह रहे कि मुझे भेज जो जो तूने बनाया जो hmm. जो हुआ hmm. तो मैंने कम से कम उनको बीस गाने भेजे एंड hmm. uh, कुछ होल्ड पे चले गए कुछ अप्रूव हो गए कुछ hmm. शॉर्ट लिस्ट हो गए कुछ कुछ को कहा कि और लेख अच्छा लेखा hmm. करते 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 सितंबर 2021 आ गया hmm. Hmm. Uh, मैंने ये वाला गाना भेजा इसका नाम पहले क्या लेगी था तो मैंने ये वाला गाना भेजा और ये वाला गाना अप्रूव हुआ जाके hmm. तो मार्च uh, में हमने शूट किया था hmm. उसके बाद ऑब्वियसली अप्रैल में शादी थी तो uh, रिलीज नहीं कर सकते थे hmm. uh, क्योंकि uh, मैं उतना अवेलेबल होता ही ना uh, मुझे लगा कि अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम क्योंकि फेस्टिव सीजन है अभी hmm. uh, दिवाली वाला दिन आ जाएंगे फिर क्रिसमस आ जाएगा न्यू ईयर आ जाएगा तो इट्स गोना बी अ पार्टी

फेस्टिव सीजन ही है यार चलते हैं तो यू रोट द लिरिक्स हाउ यू थॉट अबाउट इट कहीं कोने में जाकर आराम से इस लिरिक्स के बारे में सोचा या पार्टी करते-करते अरे दिमाग में ये लाइन आ रही है तो हम जयपुर जा रहे थे पार्टी करने जा रहे थे तो uh, मुझे रास्ते में ही ध्यान में आई लाइन मतलब मुझे दिमाग में आई यार मैंने कहा यार ये अच्छा है मतलब यू नो uh, मुझे ऐसा लिखना था जिसमें रिपिटेशन ना हो रेपिटेटिव लिरिक्स ना हो तो अब मैं लिखता गया लिखता लग और बहुत लंबा गाना बन गया। लिखता, गया लिखता गया लिखता गया लिखता गया उसमें से कुछ चीजें बेस्ट मैंने चूज की uh, जब मैंने वर्जन उस्ताद uh, को भेजा था उसमें रैप नहीं था उसमें जितना एक एक अंतर तक या एक वर्ष तक ही था वो उनको बहुत पसंद आया उसके बाद हमने फिर स्टूडियो आके जब गाना प्रूव हुआ उनको अच्छा लगा वाइब करने लग गए तो हमने इकट्ठे मिलकर रैप लिखा उसका बट तो क्या पेरिस के ट्रिप से जुड़ी आपकी कोई यादें हैं कुछ मेमोरेबल है व्हाई नेम्ड अस पेरिस का ट्रिप व्हाई नॉट समवेयर एल्स आई नेम्ड इट क्या लेगी बट ही थॉट ही ही टोल्ड मी कि पेरिस का ट्रिप इज समथिंग इंग्लिश एंड इंटरनेशनल एंड समथिंग कि यार ये कैसा गाना है क्या क्या हो सकता है इट्स द नेम इज मिस्ट्री पेरिस का ट्रिप हम्म hmm. uh, तो uh, उनके कहने से ही हमने पेरिस का ट्रिप उठा नहीं तो पहले हम क्या लेगी रख लेते इसका नाम हम्म बट पेरिस के ट्रिप से जुड़ी हुई यादें यही है कि अभी मैं दो हफ्ते यूरोप लगा के आया हूं हम्म hmm. अपनी धर्म पत्नी के साथ हम्म वी हैव सीन द फोटोज तो उनको लगा कि गाने को लेके ज्यादा ही सीरियस हो गए पेरिस की बात क्या हां बट ऐसा नहीं था ये लॉन्ग डी हॉलीडे प्लान थी Hmm. तो बस दुबई का इधर दुबई का यूरोप okay. का चक्कर मार के आया और बड़ा क्लाइमेट चेंज हुआ तबियत तो hmm. खराब हो गई गला चुक हो गया hmm. जेट लैग हो गया सोया नहीं हूं मैं पूरी रात से तो बट यू नो इससे बढ़िया क्या चीज है यार मेरा मेरा ड्रीम कोलैबोरेशन था और गाना इज डूइंग वेरी वेल अच्छा जस्ट बीट के बारे में बात हो रही है जो गाने में आपने जस्ट बीट का यूज किया है वो ऐसी बीट है जो पहले हम पंजाबी के पंजाबी सॉन्ग्स में सुनते आए नजर आ रहे थे तो थॉट ऑफ दैट कि ये बीट इस लिरिक्स के साथ मैच करेगी एंड टेकिंग अ बिग रिस्क जो अभी लोगों को पसंद आ रही है मैंने जो वर्जन उनको भेजा था जब वो कह रहे थे कि मुझे गाने भेज और जब ये गाना अप्रूव हुआ क्या लेगी पैरिस का ट्रिप गाना अप्रूव हुआ तो मैंने इसको अर्बन ट्रैप बनाया था बट uh, ये उनका सोचना था कि यू नो व्हाई नॉट टू गिव पीपल एन आइस ब्रेकर तो uh, अभी जैसे सारे ही गाने अर्बन आ रहे हैं रेगेटन आ रहे हैं यू नो टेक्निकली फ्यूचरिस्टिक uh, गाने आ रहे हैं आ, hmm. uh, वहां पे ये गाना आइस ब्रेकर है दिस hmm. गाना स्टैंड्स लोन स्टैंड्स आउट तो ये उनकी सोच थी कि यार हम उसको देसी रखते हैं hmm. देसी रखेंगे भंगड़ा करेंगे देसी हिप हॉप भंगड़ा करेंगे एंड उस पर सारे नाचेंगे एंड hmm. वही हो रहा है इट्स नॉट अबाउट द रिस्क इट्स अबाउट दिस दिस सॉन्ग इज वेरी ग्रूवी अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूंगी पर्सनल सवाल है कि आप पार्टी करते हैं कौन नहीं करता आप नहीं करते मैं करती हूँ ऑफ कोर्स लेकिन अगला वीक के पार्टी करते हैं <laughs> अच्छा तो आपने इतने पार्टी सॉन्ग बनाए हैं जो क्लब नंबर में आते हैं आपके सॉन्ग्स तो जब आप पार्टी कर रहे होता है आपका कोई गाना जिसमें आप ग्रूव करना पसंद करते हैं बहुत सारे गाने हैं मुझे सतेंद्र सताज सर का जो अपने अपने अच्छा मेरा हां मेरे, यार मेरे को मेरे गाने नहीं मुझे मुझे नहीं चाहिए कि जहाँ पे मैं और मेरा गाना बज तो <laughs> सा, सा नाचता तो तो रहूंगा नहीं। तो, तो नहीं। ये होता है मुझे थोड़ा सा शर्मिला तो भी जैसे आ, कई एंट्री होती है मतलब शो पे तो ऑब्वियसली मैं अपने गाने गाता ही हूँ बट जैसे अभी पीछे

जो जो हर शैतानी को सराखों पे बिठा के रखते हैं मतलब तो सिर, सिर पे बिठा के रखते हैं मैं तो मुझे तो आई एम अ फ्री बर्ड यू नो आई फ्लाई एवरीवेयर आई एम अ फ्री पेंटर आई डोंट वर्क इन ब्लैक एंड वाइट्स ओनली जो मेरा मन करेगा मैं रंग भरूंगा जो मेरा कैसा मेरा मन करेगा मैं गाना बनाऊंगा एंड मैं लकी हूँ कि मेरे इन एक्सपेरिमेंट्स को इतना वो सपोर्ट करते हैं बिल्कुल तो, अच्छा एक 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 और चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि कई ऐसे स्टार्स होते हैं हैं जब एक नाम 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 बन जाता जाता है 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 उनका एक मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया होता पोजीशन तो उसके बाद वो अपना नाम बदल देते चेंज हो जाता है नाम, जो घर का नाम नाम है उसके बाद बाहर हम किसी और नाम से स्टार्स को पहचानने okay. पहचान म्यूजिक

साजिद खान साजिद खान भी yes. हाँ। अब्दू से कभी मिले हैं कभी मुलाकात हुई है नहीं, नहीं। मैं मगर वो बहुत क्यूट लगता है मुझे हाँ, और मिलना चाहेंगे मिलना चाहूंगा मैं उससे हाँ। क्योंकि आई गेस बिग बॉस चार पांच दिन ही हुए शुरू हुए और यहाँ पर अब्दु को ट्रॉफी देने की बात कही जा रही है अच्छा हनी सिंह का थ्री करके एल्बम भी आने वाला है क्या आप उसके पार्ट होने वाले हैं

हनी सिंह के अलावा कभी अग, कोई आर्टिस्ट आपने सोचा है कोई सिंगर बॉलीवुड का आपने सोचा है कि यस आई वांट अभी इनके साथ में आगे चलकर कोलैब करना चाहूंगा यू हैव सम विश नहीं दिस वाज ऑन माय बकेट लिस्ट क्योंकि यू नो आई हैव बीन सीइंग हिम सबसे पहले मैंने ही uh, मैं ही मिला था hmm. उस्ताद जी को मतलब बिफोर माफिया मुंडीर वाज फाउंड hmm. बिफोर uh, ग्लासी के hmm. 2006 की बात करूं मैं बॉलीवुड थी पहली एल्बम hmm. तो मैं uh, मैं मैं ही 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 उनको सबसे पहले मिला था एंड एंड तब मैं इतना अब भी ही हूं, पर hmm. इतना इतना भी छोटा छोटा होता यूज्ड टू बी इन द यू नो बैगी में होते थे वो hmm. और ऐसे तार जमीन पे वाले बाल ऐसा बन hmm. ये, ये चटक hmm. लग रहा एंड

पता लगा कि अच्छा म्यूजिक और कमर्शियल uh, म्यूजिक और कमर्शियल म्यूजिक कैसे बना सकते हैं hmm. uh, अभी हानी uh, सिंह को जिस तरह से हमने इस वीडियो में देखा तो वी वे सो मच हैप्पी क्योंकि ही वाज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेस इन इज लाइफ और उन्होंने एक लंबा ब्रेक लिया एंड वी वर वे एक्सपेक्टिंग कि कब हानी सिंह पर्दे पर आएंगे uh, तो आप दोनों का ये जो कोलाब्रेशन था मच वेटेड मोस्ट अवेटेड कोलाब्रेशन इसे कहा जा रहा है Uh, 2022 का और आगे चलकर उम्मीद है कि ऐसे ही हमें धमाकेदार कोलैबोरेशन देखने को, sure, को मिले लास्ट ये पूछना चाहूंगी हनी सिंह का कोई गाना जो आपका मोस्ट फेवरेट है और आप बोलते हैं पाजी तो सिगरेट हो यार कौन सा बताओ ना कौन सा गाना चूज करो सारे ही फेवरेट है आई आई लव ब्लू आई आई लव ब्राउन रंग बट द मोस्ट फेवरेट इज देसी कलाकार आ, देसी कलाकार यस यस तो उम्मीद है कि आगे भी ये बढ़िया जो कोलैबोरेशन हमने इस बार देखने को मिला है तो और भी जिस तरह से सीजन आगे बढ़ता जाएगा और सेलिब्रेशन होते जाएंगे क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड कमर्शियल म्यूजिक जो अब आप पार्टीज और कई सारे इवेंट में देखने को आपको मिलेगा और यहाँ पर मिलिंद ने प्रॉमिस कर दिया है कि आगे चलकर भी वो हनी सिंह के साथ और हमें बढ़िया गाने इस यूथ को देने वाले हैं थैंक यू वेरी मच टॉकिंग थैंक यू थैंक यू सो मच